हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है धवल अरोरा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया और ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इस वीडियो में अपनी जर्नी को आपसे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा कि कैसे मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हुए, कौन सी एज से हुए और मैंने क्या क्या रेमेडीज को अपनाया और कब मेरे बाल झड़ना रुके। ये वीडियो अलग अलग पार्ट में होने वाली है। मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें कि सारे मेथड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मेथड से मेरे बालों पे इफेक्ट पड़ा, क्या क्या स्कैम्स हुए, क्योंकि वो काफी स्कैम्स होते हैं बालों के नाम पे। कई जगह पैसे फूंकते हो, बर्बाद करते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब बाल झड़ते हैं तो कंफ्यूज होते हो कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, वो आपको बहुत सी दवाई देते हैं जो आपको सूट करती है, नहीं करती तो आपका कोर्स चेंज करते हैं, आप डॉक्टर भी चेंज करते हो और ऐसे डॉक्टर चेंज करते करते कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो उस समय कई बार देर भी हो जाती है कि कई हद तक बाल झड़ भी चुके होते हैं। सबके बाल जो झड़ रहे होते हैं वो अलग अलग रीजन से झड़ते हैं। जैसे मैं जैसे किसी इंसान के बाल झड़ना स्टार्ट हुए पॉल्यूशन के कारण। वो गया बॉम्बे, वहाँ का पानी सूट नहीं किया, मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए। मैं बैंगलोर गया, वहाँ का वेदर सूट नहीं किया, मैं ह्यूमिडिटी है, मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए। गोवा का मुझे कल्चर एटमोसफेयर सूट नहीं किया। कोई मैं बीमार पड़ गया, बीमार के कारण जो मैंने मेडिसिन ली उससे मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए। मैं खान पान मेरा अच्छा नहीं है, मेरे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, मैं काफ़ी जंक फूड खा रहा हूँ, बहुत सारा मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जिससे कि बाल इफेक्ट हो रहे हैं। मेरी इसी पूरी हैबिट डेवलप हो गई जिसके कारण मेरे बालों पे इफेक्ट हो रहा है, मेरी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे बालों पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई बॉडी शॉक में चले जाती है किसी की, मतलब कोई बहुत न्यूज सुनती जिससे कि बहुत ज़्यादा आप सदमे में आ गए, तो उससे भी इंटेलिजेंट फेस बालों का शुरू हो जाता है, ग्रोथ साइकिल जो कि इफेक्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी रीजंस होते हैं। सो मैं डिस्कस करूंगा मेन जो रीज़न है आपको जेनेटिक्स होता है, जो मेरे केस में था। आपके एंसेस्टर्स में, आपके पेरेंट्स में बाल झड़ने की कोई हेरिडिटी है तो आप पे भी पास होगी, आप उससे बच नहीं सकते। अगर लकी हो तो बच जाओगे। तो क्या क्या रेमेडी है? होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, तो वो क्या ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं? मैंने सब चीज़ अवेल की है, मैंने हकीम के पास भी किया, मैंने खूब ऑयल लगाए हैं, जैसे मैंने रोजमेरी, लेवेंडर, जजोबा, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, नीमू ऑयल, बहुत सी चीज़ें लगाई, तो वो भी डिस्कस करूंगा आपसे। मैंने क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन खाई, कितने टाइम तक खाई, उससे क्या इफेक्ट पड़ा। एलोपैथी में भी दो डॉक्टर होते हैं जो आपसे, एक डॉक्टर ऐसा होगा जो आपसे खूब पैसे कमाएगा, आपको खूब ऑयल, मिनोक्सिडिल, प्रोकैपिल, मल्टीविटामिन ये सब देगा, शैम्पू देगा और आपका जो बजट हो जाएगा वो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तक पहुंच सकता है। और आप ट्रस्ट करके ये सब दवाई खा रहे हो एंड ये आपका रूटीन बन जाएगा, जो कि मेरा रूटीन बन गया था, उससे मेरे बाल नहीं झड़ना रुके। एंड में इसी में ये हुआ था कि मेरे बाल जब एक्सट्रीमली झड़ना स्टार्ट हुए थे तब जाके मैंने सब जगह हाथ पैर मारा और इसी के चलते मुझे एक डॉक्टर मिल गया जिन्होंने मेरे को एक्चुअल मुझे मेडिसिन होती है जिससे कि मेरे जेनेटिकली जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना रुक जाएंगे। वो मैंने मेडिसिन बहुत सोच समझ के खाई और उसको भी मैंने कम से कम 4 लोगों से कंसल्ट करके मैंने खाया तो जाके मेरे बाल झड़ना रुके और मैं 2 साल से मेडिसिन को खा रहा हूँ जिससे कि मेरे बाल जड़ से झड़ना रुक गए हैं, बट थोड़ा लेट झड़ना रुके हैं जिसके कारण अभी सॉर्ट ऑफ फ्रंटल जो है मेरे बाल रिसीड हो चुके हैं, जिसकी मैं आगे हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा और वो भी जर्नी में आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा मैं किन डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूं, क्या मेरी क्या ग्रोथ हुई है, कितने ग्राफ लगे हैं, तो आप भी इसको कैसे करा सकते हैं, तो ये सब वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मेरे वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है, आपके अपनों के काम आ सकती है, परायों के भी काम आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करोगे वो शुक्रगुजार तो होगा ही आपका कि थैंक यू मेरे समय को बचाने के लिए, मेरे पैसों को बचाने के लिए, मेरे बालों को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। सो गाइज वंस अगेन थैंक यू ऑल एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहेंगे और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।